मैं एक विलेन प्ले कर रहा हूँ इसमें, और एक रिच मैन जिसका घोड़े का बिजनेस है, और लेकिन उसकी क्वालिटी है कि वो जो कुछ है वो दुनिया की कोई भी चीज़ पैसे से ख़रीदना चाहता है, इवन प्यार भी पैसे से खरीदना चाहता है। तो ये इसका बेसिक जो एक नेचर है कैरेक्टर। सिचुएशन ये है कि इस वक्त एक बंजारा डांस है जिसमें सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, और ये भी इसमें शामिल है, और ये भी एक महुआ की दारू वगैरह पीता है और उसके बाद वो इमेजिन करने लगता है पूरा एक उर्मिला को, क्योंकि उर्मिला को किसी भी हद तक चाहता है, जेन्युइनली चाहता है। तो वो पूरा सीक्वेंस इसी पे है। बहुत मज़ा आया, वो तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं राजू, और ब्रिलियंट डायरेक्टर, आने वाले अपकमिंग डायरेक्टर्स में वो। इस फिल्म की न्यूज़ भी बहुत अच्छी है इस वक्त मार्केट में कि ये बहुत अच्छी फिल्म बन रही है। डेफिनेटली मतलब करियर वाइज और डायरेक्शन वाइज ग्रेट। स्टोरी बेसिकली एक सिंपल सी कहानी है, बेसिकली फिल्म ट्रीटमेंट पे है कि दो फैमिलीज हैं जिनमें कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, एक थोड़ा रिच फैमिली है, एक थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली है। तो उन क्लास कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली, दोनों क्लास के बीच में जो एक प्यार और पैसे का जो एक खेल है। तो सिंपल स्टोरी लाइन बहुत सिंपल है, लेकिन क्या ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है फिल्म का, और उर्मिला है, गोविंदा है, तो अमूमन मतलब फिल्म बहुत ही लाइट फिल्म है। हाँ मज़ा आया। मैं तो उनके साथ दो तीन फिल्म्स कर रहा हूँ अभी, शिकारी चल रही है अभी, और हद कर दी आपने पार्थ घोष की एक फिल्म चल रही है। तो बहुत उनके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है, और वेरी नाइस मैन, बहुत अच्छे आदमी। नहीं, ये वाकई में थोड़ा उस तरह का विलेन नहीं है ये फिल्म में, कि ये बड़ा जेन्युइन लगेगा आपको। हाँ ठीक है, पैसे वाला है लेकिन चाहता भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा बेवकूफ़ है, मतलब यू नो कि दिमाग कम है थोड़ा उसका। क्या कितने होते हैं ऐसे, 50 होते हैं, वो दूसरे को पैसे को सामने रख के बात करते हैं वो लोग। वो किसी से क्या जरूरी नहीं है कि अगर तुमको प्यार किसी का जीतना है, पैसे थोड़ा जीता जाता है। पहले तो आप बोल क्या रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, आप हैं कैसे ये इम्पोर्टेंट है, आप सोचते क्या है ये इम्पोर्टेंट। आप ये किसी भी कोई भी आपसे नॉर्मल आदमी बातचीत करने आए और आप सीधे नहीं जी मैं तो पैसे वाला आदमी मेरे से उस तरह से बात कीजिए, तो वो गलत बात है। तो ऐसे 50 हैं, मैं 50 क्या 1000 गिना दूँ आपको? हाँ मुझे तो लगता है दुआ करो भगवान से चले फिल्म, अच्छी फिल्म है, चलनी चाहिए। थैंक यू।